वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे, सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। गाइस, ये वीडियो रहने वाली है यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के रिजल्ट से रिलेटेड। बहुत सारी यहाँ पे न्यूज आ रही हैं, इन न्यूज को देखेंगे कि क्या सच है क्या गलत है, यहाँ पे कब तक रिजल्ट आपका आ सकता है। गाइज, यहाँ पे एक न्यूज आ रही है, इसके अंदर लिखा है कि इस हफ्ते आपका जो रिजल्ट है वो घोषित हो सकता है। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूँ, इस हफ्ते बिल्कुल भी चांसेस नहीं है कि आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंस हो जाइए। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि अक्टूबर के अंदर जो चांसेस बिल्कुल कम है, और पहले यहाँ पे चांसेस ये थे कि अक्टूबर एंड के अंदर आपको कुछ ना कुछ अपडेट मिल सकती है रिजल्ट के रिगार्डिंग, तो अब वो चांसेस भी कम लग रहे हैं। वो मैं आपको वीडियो के आगे बताऊंगी, वीडियो में आगे कि ऐसा क्यों कह रही हूँ। उससे पहले मैं आपको एक आध न्यूज कटिंग और दिखाती हूँ। इसके अंदर लिखा है गाइस कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 रिजल्ट 2021 खत्म होने जा रहा है इंतजार, यानी कि ये लोग भी कह रहे हैं कि रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है, कभी भी आ सकता है। और ये न्यूज और देखिए, इसके अंदर लिखा है आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट 2021 टू बी आउट एनी टाइम सून, यानी कभी भी रिजल्ट यहाँ पे आ सकता है। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी आपको घबराने की बात नहीं है। पहले ही बता दिया है, रेलवे अपडेट कर देता है 2 से 3 दिन पहले जब रिजल्ट आता है, और अभी रिजल्ट आने के चांसेस बिल्कुल कम है। मतलब अक्टूबर के अंदर तो रिजल्ट आने के बिल्कुल ना के बराबर चांसेस हैं। और गाइज, आपको मैंने ये न्यूज शेयर की थी पहले भी कि जो रिजल्ट है आपका वो दिवाली बाद ही आएगा, और ऐसा क्यों कह रहे हैं वो भी मैंने आपको बताया था। फेस्टिवल्स चल रहे हैं, इसीलिए इस समय यहाँ पे छुट्टियां चल रही हैं ऑफिस के अंदर रेलवे के। तो अब 4 नवंबर की दिवाली है, उसके बाद ही कुछ ना कुछ ऑफिशियल अपडेट देखने को मिलेगा। और ये जो न्यूज आ रही है कि आपका रिजल्ट इसी हफ्ते आ सकता है, या फिर कभी भी रिजल्ट आ सकता है, किसी भी वक्त रिजल्ट आ सकता है, इन न्यूज से थोड़ा बच के रहिए, ये फेक न्यूज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी ऑफिशियल अपडेट होगी या कुछ भी पता चलेगा, जैसे कि ये न्यूज थी कि दिवाली बाद आएगा, तो ये मुझे ऑथेंटिक लगी थी कि दिवाली बाद आ सकता है रिजल्ट, क्योंकि इनका जो रीजन था वो बिल्कुल ठीक लगा था। इसलिए मैंने आपको इसको सबसे पहले मैंने आपके साथ इसको शेयर किया। और ऐसी कोई और न्यूज आती है या कोई और फेक न्यूज आती है तो मैं आपको बताऊंगी कि ये फेक न्यूज है, इससे आपको बच के रहना है। ऐसा कुछ भी नहीं है, इस समय रिजल्ट नहीं आने वाला, और रिजल्ट जब आएगा या उसके रिगार्डिंग कुछ भी अपडेट आती है, रिजल्ट हो चाहे ग्रुप डी की एग्जाम डेट्स हो, तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी। आप चैनल के साथ जुड़े हैं, और आप सभी के लिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। अग्नि बैच बाई टीम प्रतियोगिता मंत्रा यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, यानी 15 नवंबर से आपके यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट होंगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। 1000 प्लस आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इस बैच के अंदर एनरोल कर सकते हैं। 15 नवंबर से यहाँ क्लासेस स्टार्ट होंगी। राहुल सर आपको पढ़ाएंगे, निखिल सर पढ़ाएंगे, दीप्ति मैम पढ़ाएंगे, और तान्या मैम आपको यहाँ पे क्लासेस लेने वाली हैं। ये मोस्ट रिलेवेंट बैच रहने वाला है, सीईटी 2022 हो, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, एसएससी एमटीएस हो, एसएससी जीडीओ, आईबीपीएस पीओ हो, आईबीपीएस क्लर्क हो, आरआरबी एनटीपीसी हो, या फिर आरआरबी ग्रुप डी हो, आपका फुल सिलेबस कवर कराया जाएगा प्री टू मेंस। तो बहुत ही अच्छा ये बैच रहने वाला है, तो आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो, इसलिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप बैच को ज्वाइन कर लीजिए। विश्वास मानिए, बहुत अच्छा बैच रहने वाला है यहाँ पे। और अगर अभी तक आपने प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन, और अनअकैडमी प्लस में मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप डिस्काउंट कोड अप्लाई कर सकते हैं PMYT, कोड नोट कर लीजिए PMYT, क्योंकि PMYT कोड लगाने से ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलने वाला है। गाइस, मैं आपको एक और बार बता दूं कि ये जितनी भी मैंने अभी आपको न्यूज दिखाई थी, ये फेक न्यूज है, और जो दिवाली के बाद ही आप अपना रिजल्ट एक्सपेक्ट कीजिए, यानी कि नवंबर मंथ के अंदर रिजल्ट मिलेगा, और दिवाली के बाद कुछ ना कुछ आपको अपडेट देखने को मिल जाएगी, और बाकी डिपेंड करता है रेलवे के ऊपर। जब रेलवे रिलीज करना चाहेगा तभी ये होगा, अगर रेलवे रिलीज ही नहीं करना चाहते तो मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि MI कैटेगरी का रिजल्ट 8 महीने बाद रिलीज किया, तो वो वाली बात अलग ही है कि अगर सीबीटी 2 ही शेड्यूल नहीं हो पाता है तो इसमें और भी डिले हो सकता है। कुछ भी ऐसा होगा तो मैं आपको बता दूंगी, जब तक आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। चलिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।